भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपना लोहा मनवाते हुए 12 घंटे लंबे चले अरब सागर में एक अभियान में 23 पाकिस्तानी नागरिकों को सोमालिया के समुद्री डाकुओं के कब्जे से बचाया। भारतीय नौसेना ने तेजी से कार्रवाई करते हुए और ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए INS सुमेधा को सहायता पहुंचाने के लिए गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS त्रिशूल भी शामिल है। अपनी टैक्टिकल एक्सपर्टीज और स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन का उपयोग करते हुए भारतीय नौसैनिक बलों ने समुद्री डाकुओं के साथ बातचीत की, जिससे उन्हें बिना खून बहाए सरेंडर करने के लिए मजबूर किया। आत्मसमर्पण ने समुद्री डकैती से निपटने और क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय नौसेना के लिए एक निर्णायक जीत को चिन्हित किया। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय नौसेना अपनी दमखम दिखाते हुए 23 मार्च को 35 सोमालिया के समुद्री डाकुओं को मुंबई लाई थी, जिन्हें मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया था। भारतीय नौसेना ने लगभग 2 दिनों तक चले समुद्री डकैती रोधी अभियान के दौरान जहाज MV रुविन के 17 चालक दल के सदस्यों को बचाया था, जिसमें किसी के हताहत हुए।